अरे अर्जुन उसकी खबर का बड़ा असर सामने आ रहा है। बदहाल सड़कों की हालत को लेकर अर्जुन उसने बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था खबर, जिसके चलते आज ग्राम पंचायत दुर्पा से करमंदी जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। एक बार फिर से आरजे न्यूज जन सरोकार की पत्रकारिता निभाते हुए ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी लाने में कामयाब हुआ है। बता दें कि एक बार फिर से अर्जुन इसकी खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों सड़क का हालत हमने दिखाया था, जिसके बाद इस खबर का बड़ा असर सामने आ रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत दुर्पा से करमंदी जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह देखने मिल रहा है। खबर को प्रमुखता से हमने प्रकाशित किया था, जिसके बाद लोगों ने आरजे न्यूज को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो ये बड़ी खबर दरमा कुछ ले क्या कुछ कर इस पूरे मामले पर हमारे विशेष संवाददाता धनवीर जायरे, चले आपको सुनाते हैं। मार्ग बहुत ही खराब है, यहाँ हम लोग प्रतिदिन स्कूल आते हैं, जिसमें हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बरसात के दिनों में इतना कीचड़ रहता है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये आरजे न्यूज जो है वो धन्यवाद के पात्र है, जिसने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और आज रोड के काम चालू हो गए हैं। यहाँ तो मैं रोज आता जाता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ सिवान में, मैं एक अधिवक्ता हूँ। यहाँ पर क्या है, आने जाने में बरसात के समय में बहुत कीचड़ हो जाता है और गाड़ी भी फंस जाता है बीच बीच में। हम लोगों को रोड को छोड़कर और नाला के पास से ऐसे गुजरना पड़ता है। इस बार किस प्रकार से देख रहे हैं रोड चालू हुआ है? इस बार हम लोगों को मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ताकि रोड बन जाएगा तो हम लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था भी हो जाएगा बढ़िया से। हाँ, इसलिए पैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और आरजे न्यूज के साथ मैं धनवीर जाहरे। दुर्पा से करमंदी तक मुख्य मार्ग को लेकर 6 महीना पहले आरजे न्यूज ने बड़े प्रमुखता के साथ जन सरोकार की पत्रकारिता निभाते हुए रोड की समस्या को लेकर समाचार प्रकाशित किया था, जिसको लेकर अब रोड पे काम शुरू हो गया है और कंस्ट्रक्शन का काम बड़े जोर से किया जा रहा है। यहाँ पे अब पुल का निर्माण हो रहा है, उसको हम दिखाएंगे आपको। और पुल और रोड का निर्माण अब काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, अब क्योंकि यह मुख्य मार्ग दुर्पा से करमंदी तक और नावागढ़ मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली है, और काफ़ी आने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बरसात के समय में कीचड़ से भरी ये सड़क होती थी और काफ़ी लोग अपने दुर्घटना का शिकार भी हुआ करते थे। अब जिसको लेकर अब काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से परेशानी यहाँ का होता था और कीचड़ से भरी है रोड होती थी, किस प्रकार से इस बार देख रहे हैं रोड बन रहा है। इस बार शासन ने बहुत ही सुंदर से काम किया है, और हम ग्राम दुर्पा से हैं, हमको अक्सर मुख्यालय जाने के लिए नावागढ़ जाना पड़ता था, और इसी रास्ते से हमारा मुख्य मार्ग है और ये रास्ता बन रहा था। हमको बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है कि सड़क बनना भी चाहिए था और बहुत दिनों से ये बन नहीं पा रहा था। 6 महीने पहले आरजे न्यूज ने बड़े प्रमुखता के साथ खबर को प्रकाशित किया था, किस प्रकार से चैनल का आरजे न्यूज को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? हम आरजे न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उस रिपोर्टर को जिसने इस खबर को प्रमुखता से उठाकर चलाया, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे जो मुख्य सड़क है उसको बनाने की या अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचाया। तो जिस प्रकार से आरजे न्यूज ने जन सरोकार की पत्रकारिता निभाते हुए जन सरोकार की लोगों तक और समस्या को अधिकारी तक पहुंचाया, फिर हरकत में ठेकेदार आया। वैसे तो इस काम को अब तक रोड और पुल का निर्माण हो जाना था, लेकिन कहीं किसी कारणवश ठेकेदार चुप्पी साधे और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए थे, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब रोड का काम शुरू हुआ है। लेकिन देखना होगा कि इसी रोड पे कुछ कमियां भी नज़र आ रही हैं, जिसको लेकर आगे चर्चे में बना हुआ है पुल, जहां पुल में राड नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह कहा जा रहा है कि मुख्य मार्ग बहुत दिन बाद ग्रामीणों का सहारा बना ये पुल और ये रोड, जिसमें अभी भी भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। अब देखना होगा कुछ अधिकारी और राज्य सरकार और यहाँ के जो इंजीनियर साहब हैं, किस प्रकार से इस रोड पे संज्ञान लेते हैं। धनवीर जायरे, आरजे न्यूज़, सूर्य नारायण, दुर्पा।